कोई दिवस है और उनको उनके हकों को उपलब्ध करवाने के लिए उनके लिए वन अधिकार में संशोधन करने का कार्य हो, जमीन के पट्टे आवंटन तक आवंटन का कार्य हो, उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, उनके घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, उन्हें आवास की सुविधा और शौचालय की सुविधा देने का कार्य हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस कार्य को गुजरात के अंदर हर ट्राइबल तक पहुंचाने का कार्य की है, हर जनजातीय भाई के सामने पहुंचा के घर तक पहुंचाने का कार्य की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर की तिथि को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए इस गौरव दिवस का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था और वही कार्यक्रम आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मुझे भी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, जिस जनपद में 15 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, उनके बीच में एक भव्य समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन जनजातीय बंधुओं के बारे में कितनी योजनाएं उनके लिए चली, उनके लिए छात्रावास बन रहे हैं, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है, फ्री में हेल्थ की व्यवस्था है, उनके लिए आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जमीन के पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन्हें आवास फ्री में उपलब्ध करवाया गया है, उनके लिए रोजगार की तमाम सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास ना इस प्रकार की दृष्टि थी और न ही वह गरीबों का, दलितों का, जनजातियों का, वनवासियों का, इनका उत्थान ही करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो केवल अपने एक परिवार के बारे में सोचना और उनके हितों के लिए कार्य करना ही उनके लिए मात्र एकमात्र यही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है और यही कारण है भाइयों बहनों, यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा था, आजादी के बाद जानती थी कांग्रेस भटक चुकी है, अपने मार्ग से भटक जाएगी और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित करिए। मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार गुजरात के अंदर फिर से सरकार बनाने जा रही है, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने जा रही है और इसमें झगड़िया का भी योगदान होना चाहिए। झगड़िया से श्री रितेश भाई बसावा चुनाव जीत करके जाएंगे, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये बहुत कठिन होता है कि नामांकन के बाद कोई प्रत्याशी घर घर जाकर के एक एक मतदाता से अपील कर सके और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सभी रितेश भाई वसावा बनकर के एक एक मतदाता के पास जाकर के मतदान की अपील के लिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी करें। करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मुझे आश्वासन दे रहे हैं मैं अस्वस्थ होकर के जाऊं तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।